Good morning, student. Welcome to e-learning classes provided by Sun Angel Academy. Myself, Sanjeev Angelo, I am going to teach Hindi class 5, chapter 4, which may be Pran. So, यह पार्ट जो है हम लोग को दर्शा रहा है कि हवा और पानी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से है. मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना भी अनिवार्य है. जल के बिना किसी भी प्राणी का के जीवन की क्या किसी भी सभ्यता की कल्पना भी हम नहीं कर सकते. मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका गलत उपयोग कर रहा है. यहाँ जिसके कारण से वातावरण हम लोग का प्रदूषित हो रहा है, जिसमें से एक हमारा जल का स्रोत है, जल संसाधन है. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कल कारखाने बढ़ते जा रहे हैं. उनकी जो कल कारखाने से जो गंदगी निकलती है वो जल के स्रोतों में या फिर नदी नालों में बहा दिए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है. उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है. साथ ही साथ जो हम लोग को पीने का जो स्रोत है जल, वो भी ढंग से हम लोग को नहीं मिल पाता है. तो यह पाठ जो है उसी पे आधारित ही है. तो कह रहा है कि आज शाम रीना के घर में पूजा थी. पूजा समाप्त होने के बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए. सुबह से ही रीना माँ के हर काम में हाथ बटा रही थी, जिसके कारण वो थक गई थी. थकान मिटाने के लिए वह सोफे पर बैठ गई और टेलीविजन देखने लगी. टेलीविजन पर नदियों के बढ़ते प्रदूषण से संबंधित एक कार्यक्रम आ रहा था. उधर रीना की माँ घर की साफ सफाई में जुट गई. मिट्टी के कलश एवं कुछ पुरानी तस्वीरें जो कि अब पीली पड़ चुकी थी एक बड़े से पॉलिथीन में भरकर रख दिए. तब तक रीना के पिताजी भी हाथ मुंह धोकर आ चुके थे. रीना की माँ ने उनसे कहा कि वे सुबह ऑफिस जाते समय इस पॉलिथीन को नदी में डाल दें. जैसे कि हम लोग घर से निकलते हैं तो कुछ कूड़ा कचरा रहता है या पॉलिथीन का छोटा बैग रहता है तो हम लोग लेके बाहर फेंक देते हैं या फिर कचरे के डब्बा में डाल देते हैं. उसी तरह रीना की माँ ने भी कहा कि ऑफिस जब जाइएगा तो ये पॉलिथीन जो है वो नदी में डालते ही चले जाइएगा. रीना थकी हुई तो थी, टेलीविजन देखते देखते सो गई. गहरी नींद में जाने से पहले उसे माँ का वाक्य और स्पष्ट रूप से सुनाई दिया. शायद इसलिए रीना सोते सोते उसी पॉलिथीन का सपना देखने लगी. सपने में रीना स्कूल जाने के लिए निकल रही थी कि माँ ने उससे रोकते हुए आवाज लगाई. तो यहां से जो बात शुरू होगा ये सारा रीना अपने सपने में देख रही. तो बता रहा है कि माँ ने उसे रोकते हुए आवाज लगाई. रीना जरा सा रुको. तो रीना ने पलट कर देखा तो माँ वह बड़ी सी पॉलिथीन पकड़ाते हुए बोली, ले यह पॉलिथीन तू ही नदी में डाल दी जाना. पापा तो लेके नहीं गए थे हड़बड़ी में, जब ऑफिस गए उनके दिमाग सुधर गया. तो अब माँ क्या बोली कि तुम जब स्कूल जा रही हो इस पॉलिथीन को लेते जाओ साथ में और इसको रास्ते में नदी में डाल दो. तो तेरे पिताजी से रात से कहा था लेकिन सुबह जल्दी के चक्कर में वे इसे यहीं भूल गए. रीना पॉलिथीन लेकर चली गई. रास्ते में नदी पर बने पुल पर रुकी और साइकिल से उतर पॉलिथीन को जोर से नदी में फेंक दिया. पॉलिथीन फेंककर जैसे ही वह मुड़ी तभी उसे किसी के सुबकने की आवाज सुनाई. मतलब जो सुसुकता है मतलब रोने की आवाज, हल्का हल्का सुसुकने रोने की आवाज. रीना ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया. आवाज फिर दोबारा सुनाई पड़ने लगी. रीना जोर से पूछी, कौन है, कौन रो रहा है? रीना के एक दो बार पूछने पर एक स्त्री सिसकियां भरती हुई प्रकट हुई. रीना ने पूछा, आप कौन है? अब यहां पर स्त्री सुबकते हुए बोली, तुम इतने
अभी तुमने ही तो मुझे कष्ट पहुंचाया है। तो रीना बोल रही है, मैंने? रीना आश्चर्य से बोली, हाँ अभी तुम्ही ने तो मुझे दूषित कर कष्ट पहुंचाया है। रीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसने जोर जोर लेकर पूछा, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही है, कृपया करके आप अपना परिचय दीजिए। तब वह स्त्री बोली, मैं नदी हूं, वह नदी जिसे दूषित कर मानव हमेशा से भूल जाता है। क्या आप सच में नदी हैं? किसने कहा? रीना ने पूछा, क्या आप सच में नदी हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि आप बोल रही हैं। क्या आप भी प्राणवान हैं? अब नदी क्या बोलती है, जब मैं तुम्हारी प्यास बुझाकर तुम्हें जीवन दे सकती हूं तो क्या स्वयं मुझमें प्राण नहीं होंगे? मुझमें भी तुम्हारी तरफ हर पीड़ा महसूस होती है, पर तुम मानव न जाने कितने वर्षों से मुझे दूषित कर करके पीड़ा पहुंचाते आ रहे। रीना चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, वह हां में हां मिलाती थी, बोली, हां यह तो सच ही कह रही है। यो तो तुम सब अपने मां कहते हो, यो तो तुम सब मुझे मां कहते हो, फिर भी अपनी मां का स्वच्छ और निर्मल आंचल निरंतर मैला किए जाते हो। तुमने बड़े बड़े मकान, कारखाने, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली है, पर मुझे क्या दिया? घरों कारखानों का कूड़ा कचरा, विषैले रसायन, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि यदि तुम सब मुझे ऐसे ही गंदा करते चले जाओगे तो अपने लिए स्वच्छ जल कहां से पाओगे? जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कल कारखाने भी बढ़ रहे हैं, तो कल कारखानों से निकली हुई गंदगी घर से निकले हुए कचरे कहां जाए? तो कुछ अपने स्वार्थ के लिए नदी में फेंक दिया, नालों में बहवा दिया, तो यही सब वजह से जो है वो क्या होता है, हमारा जल पशुओं जल जो है नदी नाले झील झरने गंदे हो रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि हर कारखानों का कूड़ा कचरा विषैले रसायन, क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि यदि तुम सब मुझे ऐसे ही गंदा करते रहोगे तो अपने लिए स्वच्छ जल कहां से पाओगे? मेरी बहनें गंगा, यमुना, कावेरी, उनकी भी आज किसी ना किसी रूप से यही पीड़ा झेल रही है। रिया ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या सचमुच में आपकी तरह दूसरी नदियां भी मैली हो रही है? स्त्री ने कहा, और नहीं तो क्या? फिर मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या मेरा और तुम्हारा संबंध केवल स्वच्छ जल की प्राप्ति के लिए है? नहीं, मेरा और तुम्हारा संबंध तो सदियों पुराना है, मेरे ही तटों पर सभ्यता का विकास होने। यही सी बात है कि कोई भी सभ्यता जो है, मैंने पाठ शुरू होने के पहले ही बताया है कि किसी भी प्राणी या प्राणी के लिए जल हवा बहुत ही आवश्यक होता है। मेरे ही तटों पर सभ्यता का विकास होता गया, कई गांव नगर बसते गए। रीना ने कहा, हाँ हमारी अध्यापिका ने भी हमें इसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर रीना बता रही है कि नहीं, इस सभ्यता के बारे में मेरी शिक्षिका अध्यापिका जो है वो हमको बताई है। आगे भी सुनो, धार्मिक उत्सव के उपरांत जब तुम मूर्तियों का विसर्जन करते हो तब तुम सब स्वयं को कितना धन्य मानने लगते हो, पर सोचा है कि बाद में मुझ पर निर्भर जलीय जीव और पौधे कितना कष्ट पाते हैं? मूर्तियों पर किया गया रंग रोगन और रासायनिक पदार्थ जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अपना दुख प्रकट करते हुए स्त्री का गला भराया, उसकी पीड़ा देख रीना का भी हृदय भी कांप गया। उसके मुख से केवल इतना ही निकला था, स्त्री ने आगे कहा, मुझमें स्नान कर तुम स्वयं तो पवित्र हो जाते हो, पर मुझे अपवित्र कर जाते हो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मेरे लिए केवल इतना कर दो कि मुझे दूषित। अब तक रीना नदी की सारी बातें समझ चुकी थी और उसे अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा। उसने स्त्री का हाथ पकड़कर माफी मांगना चाहा, किंतु ऐसा ना कर सका। वह स्त्री छपाक की आवाज के साथ नदी में जलधारा में और लुप्त। इसी आवाज से रीना की नींद, उसने स्वयं को अपने बिस्तर पर लेटा पाया, सवेरा भी हो चुका।
रीना एक गहरी सांस लेकर अपने सपने वाले बाप को याद करने लगी। अपने वाली स्त्री का करुणा भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह सामने घूम रहा था। तभी उसके अंतर मन से आवाज आई, मतलब कि अंतर मन पर क्या, मन के अंदर की भाव, मन के अंदर से आना। तो रीना जब जागो तभी सवेरा, आओ प्रण करो कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाएंगे। इसके लिए लोगों को जागरूक बनाएंगे। जागरूक मतलब सतर्क एवं सावधान। रीना बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर उसने देखा कि माँ वही पॉलिथीन पिताजी को पकड़ा रही है। वह तेजी से भागी और पॉलिथीन छीनती हुई माँ से बोली, नहीं माँ, अब हम नदियों को और दूषित नहीं करेंगे। यह सब समान नदियों में डालने के अलावा भी अन्य किसी रूप में उपयोग किया जा सकता है जिससे किसी का अहित न हो, मतलब बुरा न हो। फिर रीना ने माँ को सपने वाली बात और अपने प्रण के बारे में बताया। माँ मंद मंद मुस्काने लगी। वे कुछ कह पाती इसके पहले ही पिताजी ने रीना को अपने गले से लगाते हुए कहा, ये हुई न बात, अब मैं सबको कह सकता हूँ कि मेरा नाम करेगी रोशन, जग में मेरी राज करेगी। तो प्रकृति संसाधनों को बचाने के लिए हम लोग को भी कदम उठाना पड़ेगा। इस पाठ में ये स्पष्ट है कि अगर हम जल को दूषित करने से नहीं रोक पाए तो आने वाले समय में हम लोग स्वच्छ जल पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। तो इस पाठ में यहीं तक है। आगे भाग में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को चलेंगे। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और अगले भाग में प्रश्न उत्तर जो है कुछ मौखिक कौशल है और लिखित कौशल है। तो लिखित कौशल में प्रश्न उत्तर और कुछ रिक्त स्थान है, आगे हम पढ़ेंगे।